नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ऋचा वार्ष्णेय संभव नेचर केयर हॉस्पिटल से। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमरजेंसी पॉइंट्स। जी हाँ साथियों, इमरजेंसी में कभी भी कोई भी पड़ सकता है। तो ये कुछ टिप्स हैं एक्यूप्रेशर की, यदि आप हो सके तो उसको इस वीडियो को पूरी देखें और बहुत बेनिफिशियल होने वाली है ये वीडियो आपके लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बेहोश को होश में लाने का पॉइंट, यानी कभी भी कोई भी बेहोश हो सकता है। हम जनरली पानी की छींटे डाल देते हैं उसके ऊपर, यदि कभी पानी भी अवेलेबल ना हो तो ऐसे केस में हम क्या करें। एक बहुत अच्छा इमरजेंसी पॉइंट है बेहोश हुए व्यक्ति को होश में लाने का, वो है पॉइंट नाक के नीचे। देखिए, बिल्कुल जो नाक की जो टिप है इसके नीचे ये पॉइंट है, लिप्स के ऊपर और नाक के नीचे। आप इस जगह पर कसकर प्रेशर देंगे। जब आप कसकर स्टिमुलेट करेंगे इस पॉइंट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो देखेगा कि जो व्यक्ति बेहोश हो गया था वो होश में आ जाएगा। इसके अलावा यदि इतने से भी होश में ना आए तो एक पॉइंट और है, ये पॉइंट हमारे पैरों में है। देखिए, वो डायग्राम में दिखा रही हूँ, इस पॉइंट का नाम है K1। आप इस पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे तो जो व्यक्ति बेहोश है वो भी होश में आ जाएगा। तो टोटल 2 पॉइंट्स हैं बेहोश वाले व्यक्ति को होश में लाने के लिए। मैक्सिमम तो इसी से होश में आ जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली कारण होता है हाई बीपी की वजह से कोई बेहोश होता है, कुछ लोग लो बीपी की वजह से बेहोश होते हैं। अब कारण तो आपको नहीं पता, एक सामान्य से ट्रीटमेंट की जो आप करें तो व्यक्ति वो होश में आ जाएगा। दूसरी बात करते हैं साथियों, यदि कभी आप भोजन कर रहे हो, जनरली कहा जाता है कि भोजन शांत मन से करना चाहिए। शांत मन से मतलब है कि बहुत ज्यादा बात करते हुए भोजन नहीं करना चाहिए, कि जनरली होता क्या है कि जब हम बात करते हुए खाना खाएंगे तो अक्सर जो भोजन का कण है वो हमारी श्वास नली, जिससे हम सांस ले रहे हैं, उसमें चला जाता है। अब जब श्वास नली में अन्न कण चला गया तो क्या होगा, हमें तेजी से धसका आएगा, हम सांस नहीं ले पाएंगे क्योंकि कण फंसा है, और तेजी से धसका आएगा। वो धसका इतना ज्यादा होता है कि व्यक्ति, रिसर्चेस बता रही है कि 1000-2000 में से किसी एक की जान भी जा सकती है, क्योंकि उस समय आप सांस नहीं ले रहे होते हो। यदि वो अनकड़ बड़ा है और आपने सांस नहीं ले पाए तो डेथ हो जाएगी। लेकिन हम पीठ थपथपाते हैं, बहुत कुछ करते हैं उसके लिए, तो एक बहुत अच्छा इमरजेंसी पॉइंट आएंगे स्मॉल फिंगर। स्मॉल फिंगर की जो टिप है, टिप ऑफ द स्मॉल फिंगर, नेल के तरफ की, आपको कसकर स्मॉल फिंगर को कसकर ट्विस्ट करना है। आप लेफ्ट साइड की भी राइट साइड की भी कर सकते हैं। आप कसकर जब स्मॉल फिंगर को ट्विस्ट करेंगे तो देखिएगा कि जो अन्न का कण श्वास नली में चला गया था वो निकल जाएगा और नॉर्मल ब्रीथिंग हो जाएगी व्यक्ति की, और वो ठीक से फिर से सांस लेने लग जाएगा। तो ये बहुत अच्छा इमरजेंसी पॉइंट है, इसको जरूर आप याद रखें। तीसरा साथियों, कभी ऐसा होता है कि हम नहा रहे होते हैं और पानी हमारे कान में चला जाता है, या बारिश के समय में जो छोटे छोटे महीन महीन कीड़े हैं वो हमारे कान में चले जाते हैं। अब क्या करें, दिक्कत तो भाई पानी भी कान में चला गया, कोई कीड़ा चला गया तो दिक्कत की बात तो है ये कि कानों में वो चीज चली गई तो अनइजीनेस रहेगा हमें। अब कैसे निकालें, जो पानी चला गया है उसको कैसे निकालें, जो कीड़ा चला गया है उसको कैसे निकालें। तो जिस कान में, लेफ्ट या राइट, जिस कान में कीड़ा गया है या पानी गया है, उस कान में जो ये वाला पॉइंट है, आप कान की तरफ आए, लेफ्ट साइड में गया है तो जो ये पॉइंट है इसको आप कसकर दबाएंगे, कस के दबाएंगे और थोड़ा सा तिरछा कर लेंगे अपने कान को, ताकि जो पानी गया हुआ है पानी बाहर आ जाएगा या कीड़ा गया हुआ है कीड़ा बाहर आ जाएगा। सेम वही चीज हमें राइट साइड भी करनी है, राइट साइड के कान में हमें कोई कीड़ा चला गया या पानी चला गया तो सेम वही प्रोसीजर हमें राइट साइड भी करना है। इस ये पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम कसकर स्टिमुलेट करेंगे, हल्का सा तिरछा करेंगे और जो भी हमारा कीड़ा गया है या पानी गया हुआ है वो पूरा का पूरा हमारा निकल जाएगा। तो है ना इमरजेंसी पॉइंट। इसके अलावा साथियों, एक पॉइंट है, यदि बाय द वे एंजाइना की बात नहीं कर रही हूँ, हार्ट फेलियर की बात कर रही हूँ, व्यक्ति को तो होश ही नहीं रहेगा जब हार्ट फेलियर हो जाएगा, ऐसे में आपको क्या करना है, जो स्मॉल टिप है, स्मॉल फिंगर की जो टिप है, इसको आपको कस के, जितना भी आप कस के दबा सकते हैं दांतों से, उसको कस के दबा दीजिए।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसे निशान बन जाए, बिल्कुल चिंता मत करिए, आप किसी की जिंदगी बचा रहे हैं ये समझ लीजिए, ठीक है। ये एक्चुअली हार्ट का लिम्फ ड्रेनेज पॉइंट है, डॉक्टर और वॉल का पॉइंट है, हार्ट का लिम्फ ड्रेनेज पॉइंट है, करने में कुछ नहीं जाता, जिंदगी ही बचा लेंगे आप किसी की। तो मैं बता रही हूँ लेफ्ट साइड का करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, लेफ्ट या राइट में से लेफ्ट का करें और कस कर दबा दें मरीज का, जो जिसको आपको लगता है कि ये चीज हुई है, कस कर दबाएं, बहुत कस के दबाएं, तो देखिएगा व्यक्ति होश में आ जाएगा। इसके अलावा कोई आपके सामने किसी को पैरालिसिस का अटैक पड़ रहा हो, अब क्या करें ऐसी कंडीशन में, आप एज ए फर्स्ट एड क्या कर सकते हैं, वो ये कि जितनी भी हमारे टिप्स हैं, दसों हाथों की उंगलियां और दसों पैरों की उंगलियां, ठीक, इनकी सबकी टिप्स, जैसे ये अंगूठा, अंगूठे का टिप ये हुआ, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर की टिप ये हुई, मिडिल फिंगर इसकी टिप ये हुई, रिंग फिंगर इसकी टिप ये हुई, स्मॉल फिंगर इसकी टिप ये हुई, ऐसे ही सभी सारी दसों उंगलियां हाथों की, दसों पैरों की, सबके टिप्स को कसकर स्टिमुलेट करना है, सब उंगलियों को कसकर जब आप ट्विस्ट करेंगे, कसकर दबाएंगे, तो देखिएगा कि जो व्यक्ति को पैरालिसिस का अटैक पड़ रहा था वो नॉर्मल हो जाएगा, राहत मिल जाएगी। ये फर्स्ट एड का पॉइंट है, फिर आप जाके डॉक्टर्स को दिखाएं, उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर लें। तो ये कुछ चीजें थी जो इमरजेंसी से रिलेटेड थी, मुझे लगा कि एक वीडियो बनाऊं, मैंने अलग अलग भी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन मुझे लगा कि मैं एक वीडियो में काफी चीजें दूं, ये पार्ट वन बनाया है, अब पार्ट टू लेकर भी बहुत जल्दी ही आऊंगी, इसमें और कुछ और इमरजेंसी पॉइंट्स डालूंगी कि जिसमें जो सबके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो साथियों ये वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूं और आपसे विनती करती हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ये एक चीज ऐसी है कि जितनी ज्यादा आप शेयर करेंगे तो आप मदद ही दूसरों की कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी इमरजेंसी में एज अ फर्स्ट एड ये बहुत सारी चीजें काम आ जाएंगी, किसी की जिंदगी बच सकती है, तो जरूर मदद करें।